दोस्तों कैसे बताऊं मैं आपको कि दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको आप बीती सुनाने वाला हूँ कि मेरे पे क्या बीती आज। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं इस वक्त औरंगाबाद में हूँ और मैं आज दौलताबाद किला एक्सप्लोर करने गया था। तो दोस्तों मेरे साथ हुआ यूँ कि हम जब दौलताबाद की चढ़ाई कर रहे थे तो हम दो लोग थे, तो हम अपना वीडियो बनाते जा रहे थे। तो दो लोग हमें दिखाई दिए एक अलग जगह पर, तो हमें लग रहा था कि वो कुछ ख़ास चीज़ देख रहे हैं। तो हम वहाँ जाते हैं और वो चीज़ देखते हैं, मंदिर के जगह पर थी वो वहाँ पर। तो उस चीज़ को हम देखने के बाद उनको अपने सादे पाने से उनसे कहते हैं कि हम हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर हमारी चीज़ें डालते हैं, आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। तो गुफ्तगू उनकी और हमारी ऐसी हुई, हमने उनसे बात की, उन्होंने की पहले, फिर हमने की, फिर उसके बाद हम अपनी बात को ख़त्म करके किले पर आगे चढ़ाई कर गए और चढ़ाई करते रहे। तो दोस्तों हुआ यूँ कि वो कभी हमारे आगे, कभी पीछे, कभी हमें टारगेट कर रहे, कभी किसी और को टारगेट कर रहे। हमारी उनकी गुफ्तगू जब हुई तो उन्होंने कहा कि हम फिरोज़ाबाद यूपी के हैं। तो उसके बाद वो कभी हमारे आगे कभी पीछे चले। दो लोग थे दोस्तों, तो हम भी दो लोग थे। और जब हम दौलताबाद के किले को एक्सप्लोर करके नीचे उतरे, तो दोस्तों मैं आपकी भी जानकारी और सिक्योरिटी के लिए बता दूं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप किस तरीके से बच सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप ये सुनकर खुद ही आप सतर्क हो जाएंगे। तो मैं आपकी भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप भी खुद सतर्क हो जाए ऐसे लोगों से। तो जब हम दौलताबाद यानी देवगिरी फोर्ट को एक्सप्लोर करके नीचे उतर रहे थे, तो हम उतरते उतरते एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं था। दोस्तों इसी का फ़ायदा उठाया उन दो लोगों ने, फिरोजाबाद के थे वो दो लोग, बता रहे थे वो। अब पता नहीं सच्चाई क्या है कि वो आखिर कहाँ के थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि हम एक ऐसी जगह पर गए जहाँ वो दौलताबाद का किला जो है तो बहुत बड़ा है, और हम एक ऐसी जगह गए बाजू में जहाँ कोई नहीं था हमारे अलावा। तो हम जैसे ही वहाँ गए तो वो दोनों हमारे पास आते हैं और उनमें से एक यूँ कहता है कि ज़रा हमारा मोबाइल तो देखिए भाई, ये इसमें कुछ ये ऐसा आ गया है चित्र और ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसे ठीक कर दीजिए। तो दोस्तों मेरे साथ जो बंदा था वो बिल्कुल थका हारा था, उसको चक्कर तक थोड़े थोड़े आ रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल ठीक था। तो जैसे ही उसने मुझे ये सब दिखाया, तो दोस्तों मैंने उसके मोबाइल में आंखें भी नहीं लगाई, मैंने जैसे ही उसके मोबाइल का स्क्रीन देखी, मैंने उसे उसके मुंह तरफ देख कर कह दिया कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। दोस्तों मैं मेरे गांव में जब होता हूँ तो मेरे पास छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यक्ति आता है अपनी मोबाइल की प्रॉब्लम को लेकर, और मैं अल्लाह के करम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने मेरे पास जैसे ही लाया मोबाइल, तो मैंने उसका मोबाइल देखते से ही मना कर दिया और उस मोबाइल पर पलके भी नहीं झपकाई, सिर्फ एक पलक देख कर ही मैंने वहाँ से अपनी आंखें हटा दी। दोस्तों यकीन मानिए, अगर मैं उस मोबाइल में 30 सेकंड तक देखता रहता, तो आप यकीन मानिए मैं चक्कर खा के गिर जाता और वो लोग मेरे दोस्त यानी मेरे साथ जो बंदा था उसे उसे आ उसे मार मूर के वो लोग पता नहीं उसके साथ क्या करते, और हमारे साथ हमारा मोबाइल पर्स कीमती सामान लेकर भाग जाते। तो दोस्तों अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम बचे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस व्यक्ति ने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का स्क्रीन लगाई हुई थी कि अगर हम उसे देखते तो उसे देखने के बाद ही हम आँखों का धोखा हो जाता हमें, और हम आँखों के धोखे से चक्कर आ जाते हमें और हम गिर जाते। तो कुछ स्क्रीन्स मोबाइल पर ऐसी फ़ोटोज़ अवेलेबल रहती है जिसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं और लोगों को लूट लेते हैं ऐसी जगहों पर। तो आप ख्याल रखें, आप जब भी किसी किले पर या किसी टूरिस्ट प्लेस पर अननोन जगह पर जाएं, तो कभी भी किसी के मोबाइल में ना देखें। तो दोस्तों
आज हम इस तरह एक बड़ी घटना से बच गए, जिस नहीं तो हमारे साथ एक बड़ी घटना हो सकती थी। आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और अल्लाह का करम हमारे साथ है कि आज हम बचे, तो इस तरीके से हम आज बचे। दोस्तों, ये थी कहानी आज दौलताबाद की हमारी। अल्लाह का शुक्र है हम बच गए, और आप लोगों की दुआएं, आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।